السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم हयात सहाबा के सिलसिले में आज हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से हम कुछ बातें करेंगे। अभी तक खुलफ़ाए राशिदीन का ज़िक्र हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, ये बतरतीब खुलफ़ा हुए खुलफ़ाए राशिदीन जिन्हें कहा जाता है, और ये चारों के चार अशरे मुबशरा में से भी हैं। यानी वो दस आला हज़रत फरमाते वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। ऐसे दस लोग के जिन्हें दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, उनमें से चार खुलफ़ाए राशिदीन भी थे, और ये चारों के चार ऐसे भी हैं खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के, जिन्हें अस्हाब बद्र में भी शुमार किया जाता है। हालाँकि हज़रत उस्मान गनी बद्र में शरीक नहीं थे, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो सरकार की बेटी हैं वो बीमार थी, तो सरकार ने उन्हें मदीने में रोक दिया, लेकिन माल गनीमत में से हिस्सा भी दिया और अजर सवाब भी अता फरमाया। अल्लाह के रसूल ने वादा फरमाया कि ए उस्मान, तुम्हारे लिए बद्र में शरीक होने का सवाब भी है, तो आप भी बदरी सहाबी कहलाए जाते। तो ये चारों बदरी सहाबी भी हैं, और साथ ही साथ ये चारों अशरे मुबशरा में से हैं, और पाँचवें नंबर पर हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दस में से ये पाँचवें हैं कि जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई। वैसे जन्नत की बशारत और भी बहुत से सहाबा इकराम को दी गई है, लेकिन ये दस वो हैं कि जिनको लाइन से बतरतीब जन्नत की बशारत दी गई। एक आए, दरवाज़ा खटखटाया एक बाग में, सरकार ने फरमाया, यानी हज़रत बिलाल से फरमाया कि बिलाल जाओ दरवाज़ा खोलो और जो भी हो उसे जन्नत की बशारत दे दो। दरवाज़ा खोला तो अबू बकर सिद्दीक थे। हज़रत बिलाल कहते हैं अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नत की बशारत दी है। फिर आकर बैठे, फिर दरवाज़ा खटखटाया गया, इजाज़त चाहिए। सरकार ने फरमाया बिलाल जाओ, जो भी हो उसे जन्नत की बशारत दे दो। तो फिर देखा तो उमर थे, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली, फिर हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम। इस तरह से ये दस लोग आए और दसों को जन्नत की बशारत दी गई। तो बहरहाल ये पाँचवें नंबर पर अशरे मुबशरा में से ये हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ज़ुबैर इब्न अव्वाम इब्न खुवैलिद, हज़रत खदीजा बिनत खुवैलिद, तो खुवैलिद के यानी के लड़के अव्वाम हैं, उनके बेटे ज़ुबैर हैं, और खुवैलिद की बेटी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। तो ये आपस में भाई बहन, और भाई के बेटे हज़रत ज़ुबैर हैं तो भतीजे हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा के भतीजे हैं ज़ुबैर इब्न अव्वाम। साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे हैं ज़ुबैर इब्न अव्वाम। तो इस एतबार से सरकार के चचा फूफी ज़ात भाई भी हैं, ये अल्लाह के रसूल से नस्बतें हैं, है ना। और साथ ही साथ हज़रत यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हज़रत आयशा सिद्दीका थी, हज़रत अबू बकर की छोटी बेटी। तो बड़ी बेटी अस्मा बिनत अबू बकर वो हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की बीवी थी। तो सरकार के साढ़ू भाई भी हैं, साढ़ू भी हैं, ये रिश्ता भी आपका है। तो यानी फूफी ज़ात भी हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा के चचा ज़ात यानी भाई हैं, और सरकार के साढ़ू भाई भी हैं, और फूफी ज़ाद भाई भी हैं कि फूफी के लड़के हैं, है ना। तो इस यानी बहुत सी नस्बतें हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम को हासिल हैं। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम भी अस्साबिकून अल अव्वलून में से हैं, यानी कि इब्तिदाए ज़माने में इस्लाम लाने वालों में से हैं। सबसे पहले जो लोग इस्लाम लाए उन्हें अस्साबिकून अल अव्वलून कहा जाता है, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये भी सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। ज़ुबैर इब्न अव्वाम, ये भी सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में शुमार किए जाते हैं, इब्तिदाए ज़माने में इस्लाम लाए। और जब इस्लाम लाए उस वक्त आपकी उम्र मुबारक तकरीबन यानी कि 10-11 साल की रही होगी, 10-12 साल। तो आप जो हैं हिजरत से 28 साल या 26 साल पहले पैदा हुए, हिजरत से 28 साल पहले पैदा हुए, और जब आप इस्लाम लाए, ऐलान नबूवत सरकार ने फरमाया और आप ईमान लाए, तो 10-11 साल की उम्र थी। और आपकी वालिदा बचपन ही से चाहती थी कि आप बड़े बहादुर बने,
बड़े मजबूत बने, और यानी कि आप जो हैं कभी भी किसी के सामने किसी के मुकाबले में पीछे ना हटें। तो आपकी वालदा आपको बहुत मारती थी बचपन में, आपकी वालदा बहुत मारती थी। आपने देखा होगा जिन बच्चों को बहुत मारा जाता है तो फिर वो मजबूत बन जाते हैं, फिर अगर कोई कितना भी मार ले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने यानी मदरसों में, यहाँ मकतब चलता है वहाँ भी और हमारे मदरसों में भी हम देखते हैं, हमारा ये एक एक्सपीरियंस है, हमारा तजर्बा है कि जिन बच्चों को बहुत मार पड़ती है तो फिर वो बहुत मजबूत बन जाते हैं। फिर उनको कितना भी मार लो वो ऐसे मार खाने के बाद हाहू करेंगे लेकिन फिर ऊपर देख के हंसेंगे, इनको कुछ हुआ ही नहीं, है ना। मारने वाला मार कर थक जाए लेकिन उनको असर नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ भी मोहल्लों में कुछ बच्चे हैं ऐसे कि जिनको मार की कोई असर ही नहीं होती है, ना कितना भी मार लिया। तो हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की वालिदा हज़रत सफ़िया जो सरकार की फूफी हैं वो उनको खूब मारती थी, है ना। लोग कहते हैं यार कितना मारती हो, क्या मार डालोगी बच्चे को, तो कहती मैं इसलिए नहीं मारती हूँ कि मुझे इससे कोई दुश्मनी है, नहीं मैं इसलिए मारती हूँ ताकि ये अक्लमंद बने, ये बहादुर बने, और फिर ये यानी कि जब जंग करे तो फिर ये लोगों के सामने मुकाबले में कभी पीछे ना हटे, है ना। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा और हज़रत सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप जो हैं इन्हें खूब मारती थी। बाद में हज़रत सफ़िया मुसलमान हो गई, हज़रत ज़ुबैर भी मुसलमान हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो हज़रत यानी कि ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े मजबूत थे। हज़रत सफ़िया यानी इनको इतनी मुसीबतें देती थी कि कभी ये आगे चल कर कोई मुसीबत आए तो कोई परेशानी ना हो। एक दिन अंधेरा था बिल्कुल और गड्ढे में धक्का दे दिया, एक गड्ढा था उसमें धक्का मार दिया और फिर चल दी आगे बढ़ गई। साथ में जो औरतें थीं उन्होंने कहा यार सफ़िया क्या करती है, तूने अपने बच्चे को गड्ढे में गिरा दिया अंधेरे में, वहाँ उजाला भी नहीं है यानी कोई रोशनी भी नहीं है। हज़रत सफ़िया ने कहा इसलिए गिराया था कि अंधेरे में रहकर अंधेरे का डर निकल जाए, कभी अंधेरे से उसे डर ना लगे, इसलिए गिरा दिया अंधेरे में, तो अब वो खुद ही बच कर आए। हाँ, तो ये यानी कि हज़रत सफ़िया की तरबियत थी। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम वैसे तो दुबले पतले थे, मेरी तरह बिल्कुल दुबले पतले थे, लेकिन बहुत लंबे थे, बहुत लंबे थे, इतने लंबे कि अगर घोड़े पर बैठते थे तो पैर ज़मीन पर लगते थे, इतने लंबे थे कि घोड़े पर बैठते तो पैर ज़मीन से टच होते थे, इतने लंबे थे, दुबले पतले थे। आपकी दाढ़ी भी थोड़ी सी थी, बस यहीं पर थोड़ी सी थी, यहाँ पर पतली सी दाढ़ी थी और ज़्यादा यहाँ था नहीं, यहाँ कोई दाढ़ी नहीं थी, हल्के से बाल, बस यहाँ पर थोड़ी सी लंबी सी इसी यानी कि पतली सी दाढ़ी थी, ये आपका हुलिया। वैसे ये खुलफ़ाए राशिदीन का हुलिया भी मैं एक यानी कि थोड़े दिनों में बयान करूँगा इंशाल्लाह। सोच रहा हूँ कि सारे लोगों के एक लिस्ट बनाकर ही हुलिये बयान कर दिए जाएँ सबके कि कौन कैसा दिखता था। आज हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम का हुलिया मैंने आपको बता दिया, बड़े लंबे थे और दुबले पतले थे और बड़े बहादुर थे, बहुत बहादुर यानी कि शुजात में आपका कोई आपकी कोई मिसाल नहीं थी। जब 12 साल की उम्र थी, आप मुसलमान हो चुके थे, मोमिन हो चुके थे, 12 साल की उम्र थी और दार अरकम में यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हज़रत अरकम इब्न अबू अरकम का घर था, वहाँ पर आप यानी कि तशरीफ़ फरमा होते, वहाँ सहाबा जमा होते और वहाँ पर सरकार तालीम देते थे सहाबा को, वहीं नमाज भी पढ़ते थे और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम भी वहाँ जाते और इस्लाम सीखते थे, इस्लाम की तालीम हासिल करते। एक मरतबा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के ऊपर के हिस्से में आप तशरीफ़ ले गए तो यहाँ अफवाह फैल गई कि हुजूर को कत्ल कर दिया गया या हुजूर को कुफार व मुशरिकीन ने घेर लिया है। तो जब यह खबर हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम को पता चली, 12 साल की उम्र थी, तलवार उठाई और उठाकर दौड़े, लोग देख रहे थे और कह रहे थे देखो ये बच्चा तलवार लेकर दौड़ रहा है, इसको देखो क्या हो गया, ये तलवार लेकर दौड़ रहा है। आप दौड़े दौड़े पहुंचे जब वहाँ तो देखा सरकार एक दरख्त के नीचे आराम फरमाए, सरकार ने ज़ुबैर को आते हुए देखा, दौड़ते हुए आ रहे हैं तलवार लिए हुए, सरकार ने फरमाया ज़ुबैर क्या हुआ, कहा या रसूल अल्लाह मैंने सुना कि आपको कुफ्फार मुशरिकीन ने घेर लिया है तो इसलिए मैं दौड़ता हुआ है। तो कहा क्या कर लेते, कहा अगर यानी कुफ्फार मुशरिकीन ने आपको घेरा होता तो गर्दनें उड़ा देता, 12 साल की उम्र थी और ये जवाब कि गर्दनें उड़ा देता। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और आपने आपको दुआ दी और आपने यानी कि आपसे बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, यहाँ भी यानी कि साथ में, मक्का में भी साथ में, मदीने भी साथ में। मक्का से आपने 3 मरतबा हिजरतें किए, 3 हिजरत की, 2 मरतबा हबशा की तरफ, 1 मरतबा मदीने की तरफ, पहले हबशा की तरफ गए फिर वापस आ गए, फिर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम होते थे फिर चले गए हबशा की तरफ, और जुल्म व सितम करने वाला कौन, उनका चचा
حضرت زبیر ابن عوام کے والد جو عوام ہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا چچا تھا وہ کفالت کرتا تھا، یہ چچا وہ ہیں کہ جب ان کی والدہ ان کو مارتی پیٹتی تھی ہے نا مضبوط بنانے کے لیے، تو یہ چچا کو رحم آ جاتا تھا، کہتا تھا اے یعنی کہ اے بہن اتنا مت مار، یعنی کہ اے بھابھی اتنا مت مارو ہے نا، بیچارہ بچہ چھوٹا بچہ ہے تم اسے مار ڈالو گی، اسے اتنا مت مارو، اسے رحم آ جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام لے آئے تو اب یہی چچا آپ کو خوب مارتا پیٹتا تھا، آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیتا پھر دھونی دیتا، لٹکا دیتا لٹکا کر مارتا، چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دیتا، آپ کی سانس جو ہے وہ یعنی کہ اندر آپ کو تکلیف ہوتی، سانسیں رکنے لگتی ہے نا، یہ سارے حالات ہوتے۔ تو آپ نے دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوسری بار گئے پھر واپس آ گئے، تو جب واپس آئے تو پتہ چلا مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، سرکار بھی فرما رہے ہجرت، تو پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ میں آ کر بس گئے۔ آپ یعنی کہ آپ کی شادی حضرت اسماء بنت ابوبکر سے ہوئی تھی، جب ہجرت ہو گئی اس کے بعد، یعنی شادی تو مکہ میں ہو چکی تھی، جب ہجرت کر کے آپ یعنی کہ مکہ پہنچے ہیں تو اس وقت مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا، ہجرت کے بعد اسلام میں سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا آپ کے ہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہودیوں نے وہاں ایک افواہ پھیلا رکھی تھی کہ ہم نے یہ مسلمان جتنے آئے ہیں مکہ سے مدینہ آئے ہیں ہم نے ان پر جادو کر رکھا ہے، ان کے ہاں کبھی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہوگا بھی تو کوئی یعنی لڑکیاں پیدا ہوگی، لڑکا کبھی پیدا نہیں ہوگا، اور اسلام میں ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، حضرت اسماء بنت ابوبکر کا بیٹا، حضرت زبیر ابن عوام کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر۔ جب یہ پیدا ہوئے سارے مسلمانوں نے خوشیاں منائی، مدینہ کے سارے مسلمانوں نے خوشیاں منائی کہ دیکھو یہ یہود کہتے تھے ہم نے جادو کر رکھا ہے، ان کے ہاں کبھی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، پہلی اولاد اسلام میں مدینہ میں پیدا ہوئی وہ لڑکا ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ جنگ بدر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنگ احد اور تمام غزوات میں سرکار کے ساتھ رہے، ایسے ساتھ کہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے تاکہ سرکار کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جنگ بدر میں آپ ساتھ میں تھے، اور جنگ بدر میں اور ویسے تمام جنگوں میں آپ نے بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ جنگ بدر میں آپ نے ایک شخص جو ہے وہ ٹیلے پر چڑھا ہوا تھا، اوپر چڑھا تھا، یا بعض لوگوں نے کہا کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اونٹ پر چڑھا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آگے بڑھے اور وہ پکار رہا تھا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، تو حضرت زبیر ابن عوام دوڑتے ہوئے گئے اور اس کے کود کر اس کے اونٹ پر چڑھ گئے، ہے تھے ہی لمبے تو کود کر اس کے اونٹ پر چڑھے اور پھر اسے گرایا اور گرا کر جو ہے اسے قتل کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ٹیلے پر تھا وہ آدمی، یعنی ریت کا ٹیلا تھا اس کے اوپر تھا، تو حضرت زبیر ابن عوام دوڑتے ہوئے اوپر چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد جو ہے آپ اس سے بھڑ گئے، یعنی اسے بھیڑ گیا اور گرایا اسے، تو اب دونوں گبڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گبڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، سرکار نے دیکھا تو فرمایا جو سب سے پہلے زمین سے ٹچ ہوگا وہ قتل ہو جائے گا، جو سب سے پہلے زمین سے ٹچ ہوگا وہ قتل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے وہ جو شخص تھا وہ ٹچ ہوا اور حضرت زبیر ابن عوام اس کے اوپر آئے اور اسے قتل کر دیا، تو جب اسے قتل کیا اس کے بعد جو ہے حضرت زبیر ابن عوام آگے بڑھے، تو ایک بندہ یعنی یہ قتل ہو گیا تو دوسرا بندہ آگے بڑھا، یہ عبیدہ ابن سعید اس کا نام تھا اور اسے ابو ذات الکرش، ابو ذات الکرش اس کی کنیت تھی، تو یہ آگے بڑھا، اس کا حال یہ تھا کہ پورا سر سے لے کر پیر تک لوہے سے ڈھکا ہوا تھا، ایک ذرا سا بھی حصہ بدن کا نظر نہیں آتا تھا سوائے آنکھ کے، صرف آنکھ نظر آ رہی تھی، باقی پورا سر سے پیر تک لوہا ہی لوہا اس نے پہنا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھتا، میں ابو ذات الکرش ہوں، میں پہاڑوں کو توڑ دیتا ہوں، ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں، میری تلوار اگر گر جائے کسی پر تو اس کے دو ٹکڑے، بڑی ہاں کر رہا تھا، پھینک رہا تھا، ہے نا، وہ آگے بڑھا بالکل، تو حضرت زبیر ابن عوام اپنا نیزہ لے کر آگے بڑھے اور ایسا نشانہ لے کر نیزہ مارا، اتنی زور سے مارا کہ اس کی آنکھ میں یعنی کہ گھستا ہوا کھوپڑی توڑتا ہوا، اس کا بھیجا اڑاتا ہوا کھوپڑی توڑتا ہوا پیچھے کے یعنی اس کی ٹوپی میں، لوہے کی ٹوپی میں گھس گیا اور وہ دھڑام سے گرا، نیزہ اس کی آنکھ میں لگا ہوا تھا۔ اب حضرت زبیر ابن عوام نے اپنا نیزہ نکالنا چاہا تو نکل نہیں رہا تھا، تو اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، پیر رکھا اس کے سر پر اور ایک پیر سینے پر رکھا اور پھر کھینچا طاقت کے ساتھ، تو جب وہ نیزہ نکلا تو اس کی نوک جو تھی وہ مڑ چکی تھی،
इसलिए कि लोहे में वो पेवस्त हो गया था, इतना यानी कि ज़बरदस्त वार किया था, तो उसकी नोक भी मुड़ चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर से कहा, ज़ुबैर ये नेज़ा मुझे दे दो, ये नेज़ा मुझे दे दो। आपने वो नेज़ा तबर्रुक के तौर पर रखा है सरकार ने, तबर्रुक के यादगार के तौर पर, कि ये वो नेज़ा है कि जिससे ज़ुबैर ने ऐसा सख्त हमला किया था। सरकार के पास रहा, सरकार की वफ़ात के बाद है ना घर वालों ने ले लिया, है तो ज़ुबैर ने ले लिया। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए ज़ुबैर मेरे पास रहने दो, ये नेज़ा मेरे पास है, इसका काम बस ये कि ये हमारे पास रहे बरकत के तौर पर। तो उसे रहने दिया अबू बकर सिद्दीक ने। फिर हत उमर के दौर में फिर लिया, तो हत उमर ने मांग लिया कि भाई रहने दो। फिर उस्मान गनी ने मांग लिया कि भाई हमारे पास रहने दो। फिर हत उस्मान गनी की शहादत के बाद फिर हत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने उसे ले लिया और वो उन्हीं के पास रहा, यहाँ तक कि बाद में चलकर जो है वो यानी कि आगे यानी कि बढ़ता गया। और इसी तरह हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम ने जो है तलवार से भी ऐसी सख्त जंग की जंग बद्र में कि आपकी तलवार में ऐसे दंदाने बन गए, जैसे आरी में दांते आते हैं, जैसे दंदाने उसे कहते हैं दांते, तो ऐसे तलवार तो तेज़ होती है बिल्कुल एकदम, उसकी धार जो है साफ सुथरी होती है तेज़, लेकिन उसमें इतनी यानी कि लोगों को आपने कत्ल किया कि उसमें दंदाने बन गए थे, ऐसे निशान बन गए थे, है ना। तो ये हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े बहादुर थे, जंग उहद में भी आपने बड़ा बड़े नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए, यहाँ तक के यानी हर हर जंग में सरकार के साथ रहे भी और जंगें भी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में की। जंग खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि सारे कुफार अरब के सारे मिलकर आ गए थे, 10,000 से ज़्यादा का लश्कर था कुफार का, और इधर बनू कुरैज़ा जो यहूदियों का यानी कि किला था, बनू कुरैज़ा जो ये लोग रहते थे यहूदी मदीने के करीब में, उनसे सरकार ने मुआहदा किया था, वादा किया था कि तुम हमारे खिलाफ जंग नहीं करोगे, हम तुम्हारे खिलाफ जंग नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भी धोखा दिया और कुफार का साथ दिया। तो सरकार ने उस मौके पर खंदक के मौके पर फरमाया कि कौन है जो उनकी खबर लेकर आए, बनू कुरैज़ा की खबर लेकर आए कि उनका क्या हाल है, वो क्या कर रहे हैं। तो हज़रत ज़ुबैर तीन मरतबा पूछा, तीनों मरतबा हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने कहा या रसूलल्लाह मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। तो फिर ये गए और अपनी यानी कि जान पर खेल कर गए, दुश्मनों के नरगे में गए और जाकर फिर वापस आए, सारे हालात सुनाए, सारी खबर लेकर आए किले से कि भाई ऐसे इनके हालात हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, हर नबी का कोई ना कोई हवारी होता है, हवारी कहते हैं यानी कि साथ में रहने वाले को, मददगार को, तो हर नबी का कोई ना कोई हवारी होता है, मेरे हवारी ज़ुबैर इब्न अव्वाम हैं। और उस मौके पर सरकार ने फरमाया था, फिदा के अबी व उम्मी या ज़ुबैर, ए ज़ुबैर मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। तो ये बहुत आला मकाम था ज़ुबैर इब्न अव्वाम के लिए कि सरकार ने फरमाया मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़तेह मक्का में हिस्सा लिया, तो फतेह मक्का के मौके पर भी जो है अल्लाह के रसूल यानी कि 10,000 का मुसलमानों का लश्कर था और वो एक यानी कि जमातों में बटा हुआ था, एक जमात उसमें एक झंडा, फिर दूसरी जमात उसमें एक झंडा, अल्लाह के रसूल सबसे लास्ट में एक छोटी सी जमात थी उसमें यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उस जमात का झंडा जो है सरकार का झंडा है तो ज़ुबैर इब्न अव्वाम के हाथ में था। जंगे बद्र में आपने यानी आपको एक ज़ख्म लगा था यहाँ पीछे पीठ पर, यहाँ पर शान पर गर्दन के नीचे यहाँ पर आपको एक ज़ख्म लगा था, वैसे तो पूरे यानी कि ज़ख्मी हुए थे, जंगे उहद में भी बड़े ज़ख्मी हुए थे, लेकिन जंगे बद्र में एक ज़ख्म ऐसा लगा था कि जो बिल्कुल अंदर सुराख पड़ गया, जब अच्छा हो गया तब भी अंदर सुराख, ऐसा सुराख का सुराख रहा। और फिर बाद में यानी कि जंगे यरमूक हुई शामियों के खिलाफ, सरकार की वफ़ात के बाद जंगे यरमूक हुई शामियों के खिलाफ, तो उस जंग में भी इन्होंने हिस्सा लिया और उस जंग में एक तरफ यानी कि सहाबा इकराम की तादाद बहुत कम थी और उनका लश्कर बहुत था, ये 4,000 के करीब थे और वो 1,00,000 के करीब थे, तो ऐसी यानी कि ऐसा मुकाबला हुआ। तो बास सहाबा ने कहा ए ज़ुबैर तुम सख्त हमला करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, यानी कि बस लड़ाई हो रही है, हम यानी ज़ुबैर इब्न अव्वाम आप सख्त हमला कीजिए, घुस जाइए, हम भी आपके साथ चलते हैं। तो हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने कहा कि तुम मेरा साथ नहीं दे पाओगे, मेरे साथ नहीं दे पाओगे। उन्होंने कहा, सहाबा ने कहा नहीं नहीं हम आपका साथ देंगे। कुछ सहाबा थे जिन्होंने कहा आप हमला तो कीजिए, हम साथ देंगे। हज़रत ज़ुबैर ने कहा ठीक है चलो। तो फिर हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने साथ में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, 10 साल की उम्र थी उनकी, वो भी साथ में थे, आपने उनको दूसरे के हवाले किया कि इसको संभालना, मैं हमलावर होता हूँ, और उसके बाद हमला किया बीच में यानी कि पूरे शामियों का जो लश्कर का बीच का हिस्सा था उस पर हमला किया, तो यानी कि काटते
मारते मारते गुजर गए, लश्कर के उस पार निकल गए, लश्कर के उस पार चले गए, और ये जो साथ में सहाबा थे वो यहीं जंग करते रह गए। वो अंदर घुस भी नहीं सके सहाबा, और ये यानी कि कत्ल करते हुए शामियों का लश्कर के उस पार निकल गए। अब जब वहाँ पहुँच कर देखा पलट कर तो यहाँ साथ में कोई भी नहीं है। अब फिर वापस पलटे तो जब वापस आ रहे थे तो रोमियों ने कुछ सिपाहियों ने घेर लिया और आप पर हमला किया। हालांकि उनसे भी जंग करके वापस आ गए, लेकिन उसमें आपको शानों पर दो जख्म लगे। तो यहाँ शानों पर यानी ये जंगे बद्र में बीच में और फिर जंगे यरमूक में यहाँ कंधों के पीछे यहाँ दो जख्म लगे। तो ये तीन जख्म ऐसे थे कि जिसमें सुराख थे। हज़रत उरवा इब्ने ज़ुबैर जो आपके बेटे हैं वो फरमाते हैं, मैं छोटा था तो उसमें उंगलियाँ डालकर मैं खेला करता था, ऐसे सुराख थे कि मैं उंगली डालकर खेलता था। ये जख्मों के निशान एक जंगे बद्र में और दो जंगे यरमूक में लगे थे। उसके बाद यानी कि मिस्र पर हमले हुए तो उसमें भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फुस्तास नाम का शहर था, उसे मिस्र में फतह करना था। मुहासरा घेर कर बैठे हुए थे, खंदक किले के आगे खोदी हुई थी और किला फतह ही नहीं हो रहा था। तो एक दिन फिर यानी काफ़ी महीने गुजर गए तो ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने कहा, अब तो मैं कुछ करता हूँ, मैं हमला करता हूँ और देखता हूँ कि कैसे फतह नहीं होता। आपने किले पर सीढ़ी लगाई, हालाँकि भाई किले पर चढ़ने के लिए अगर यानी ऊपर से हमला होगा, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने कहा अब जो हो देखा जाएगा। सीढ़ी लगाई और फटाफट चढ़ गए। अब फटाफट चढ़कर ऊपर यानी कि जब चढ़े तो वहाँ कत्लेआम करना यानी कि आपने जंग करना शुरू कर दिया। तो जो दूसरे सिपाही थे किले के उनको लगा कि लगता है मुसलमान किले के अंदर घुस आए, तो सब भागे। तो जल्दी से नीचे उतरे, दरवाज़ा किले का खोल दिया, सारे मुसलमान अंदर। तो फुस्तास का किला यानी कि फतह हो गया। इसी तरह मिस्र में और भी जितने किले थे वो सब भी हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की क़यादत में फतह हुए। तो हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने पहले बताया था कल कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क़िसास तलब करने में हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम थे, हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह ये दोनों थे और हज़रत आयशा थी। ये हज़रत अली की बैत हो गई। उसके बाद तीन महीने तक मदीने में रहे ताकि यानी कि मुतालबा करते रहे कि आप जो हैं क़िसास लें, क़िसास लें। और उसके बाद जब यानी कि इन बागियों को यहाँ से निकालें और जो कातिलीन हैं उनसे बदला लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो फिर उसके बाद जो है हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा आप मक्का चले गए। हज़रत आयशा सिद्दीका हज के लिए पहले से मक्का गई हुई थी, वो मक्का ही में थी, वहाँ जाकर हज़रत आयशा से मिल गए। फिर ये लोग बसरा गए, वहाँ से बसरा से यानी कि आप लोग लश्कर लेकर निकले थे, हज़रत अली मदीने से लश्कर लेकर निकले थे और फिर एक जगह पर जंग का यानी कि मैदान सजा। वहां पर हज़रत अली ने बाहर निकल कर यानी कि पहले लोगों को समझाना चाहा, हज़रत आयशा के लश्कर को समझाना चाहा, तो उसमें हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम से कहा, ज़ुबैर इधर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हज़रत ज़ुबैर आए तो हज़रत अली ने कहा, ज़ुबैर क्या तुम्हें याद नहीं है, एक दिन मैं और तुम अपने हम दोनों हाथ पकड़कर जा रहे थे मदीने में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हम दोनों को ऐसे जाते हुए देखा, तो उन्होंने तुमसे कहा था कि ए ज़ुबैर क्या तुम अली से यानी अली को दोस्त रखते हो, तो तुमने कहा था हाँ या रसूलल्लाह। तो सरकार ने फरमाया था एक दिन तुम उनके खिलाफ नाहक जंग करोगे। हज़रत ज़ुबैर कहते हाँ हाँ मुझे याद आ गया, सही बात है। कहते ज़ुबैर को याद आया तो वो कहते हज़रत आयशा के पास गए, मैं तो जंग नहीं करूँगा, मैं तो जा रहा हूँ वापस। तो ये वापस जा रहे थे लेकिन एक बंदा था अम्र इब्ने जुर्मुज, उसने जो है वो भी यानी कि देखने के लिए कि ज़ुबैर क्यों वापस जा रहे हैं, गया उनसे पूछा। हज़रत ज़ुबैर ने सारी बात बताई, उसने कहा चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, तो साथ हो लिया। और फिर रास्ते में जो है एक जगह नमाज का वक्त हुआ, आपने नमाज के लिए आप खड़े हुए, ये भी बंदा आपके साथ नमाज के लिए खड़ा हुआ। जब आप सजदे में गए तो अम्र इब्ने जुर्मुज ने आप पर हमला किया और को शहीद कर दिया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 64 साल थी, 64 साल की उम्र में आपको भी शहीद कर दिया गया। तो ये हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप जो है एक दो बातें हैं, इंशाअल्लाह आइंदा कल मैं उनके ताल्लुक से एक दो बात और बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।